Hello friends, today I am going to teach you chapter 1st and next topic is kind of sentence. So in this lecture I am discussing about sentences and how many kind of sentences with example one by one. Now first one is statement. What is statement? These statements tell us about a fact. ये statement में क्या है? Fact के बारे में बताते हैं. These statements are of either affirmative or negative. So we go for the first one is affirmative sentence. Which example is here? Affirmative sentence that stands for सकारात्मक वाक्य. And negative sentence which stands for नकारात्मक वाक्य. In affirmative sentences, it affirms the something. For example, Rahul is a brave boy. Rahul क्या है? बहादुर लड़का है. This is an affirmative sentence. And next one is negative sentence. That is नकारात्मक वाक्य. It negates something. So the example of negative sentence is here. Rahul is not a brave boy. Rahul क्या है? Rahul एक बहादुर लड़का नहीं है. द वर्ड नॉट इज अ नेगेटिव वर्ड. सो दिस इज सेंटेंस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज प्रश्नवाचक वाक्य. इन नेगेटिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस आस्क सम क्वेश्चंस लाइक एज एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर हाउ आर यू. आप कैसे हो? So in the interrogative sentences, the word "ask" as a question. So how is a question word? How means कैसे हो? आप कैसे हो? How are you? And in interrogative sentences, question mark is must for notation of interrogative sentences. Now next the third one is imperative sentence. That is imperative sentence. The definition of imperative sentence are as these sentences express order, request or suggestion. ये sentences क्या होते हैं? क्या किसी से order मतलब आदेश देना, request में request करना किसी से, suggestion मतलब अपना opinion देना. Example क्या है sentence का? Imperative sentence example is here. Open the door. दरवाजा खोल. ओपन मीन्स खोलना, क्लोजिंग दरवाजा, दरवाजा खोलो. यहाँ पर किसी को आदेश दे रहे हैं तो ये हो गया आपका आदेशात्मक वाक्य. दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर रिक्वेस्ट और सजेशन. एंड एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज हियर. एग्जांपल ओपन द डोर. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दैट इज इच्छा सूचक वाक्य. दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस विश डिजायर एंड ब्लेसिंग्स. इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम अपने क्या एक्सप्रेस करते हैं? विश को, इच्छाओं को, डिजायर्स को या फिर ब्लेसिंग्स या फिर किसी को आशीर्वाद देना. हम भगवान से प्रे करते हैं कि आप मेरे भाई हो या फिर आप लंबे समय तक ये कार्य करो. तो कोई भी अपनी इच्छाओं को प्रकट करना या फिर एक्सप्रेस करना वही होते हैं आपके इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा व्यक्त करना. सो द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज दिस सेंटेंस एक्सप्रेस विश डिजायर और ब्लेसिंग. So now the example of operative sentence is here. May you live long. आप दीर्घायु हो. Now next is exclamatory sentences. Exclamatory sentences which simply meaning is which may are बोधक वाक्य. So in these sentences express sudden feelings. वे sudden feelings को express करते हैं. Example क्या है इसका? What a fool he is. कितना मूर्ख है वह. इसमें बोलते कितना मूर्ख है वह. और इसमें सबसे मेन चीजें आपकी हैं कोटेशन मार्क जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क. एक्सप्लेनेशन मार्क्स. सो दीज आर द फाइनल सेंटेंसेस व्हिच इज इन दिस वी डिस्कस वन बाय वन व्हिच आर नंबर 5. फर्स्ट वन था आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. सेकंड था आपका इंट्रोगेटिव. थर्ड था आपका इंपरेटिव. फोर्थ आपका ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट फिफ्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ दैट इज ऑल. थैंक यू.